चौरई विधानसभा अंतर्गत चांद तहसील मंडी प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। भाजपाइयों द्वारा उनका भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने और पार्टी में जुड़ने की बात कही और अपने उद्बोधन में कहा कि देश राजनीति नहीं है, ना हम इसे राजनीति कहते हैं। हम तो उन्हें याद करते हैं जिन्होंने देश के कारण अपनी जवानी कुर्बान कर दी, और कहा कि हम तो काम करने पर विश्वास करते हैं, जैसे धारा 370 हटाने का काम, राम मंदिर बनाने का काम, जो देश के काम आए हम उसे ही राजनीति कहते हैं। मंच से केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास का पैसा क्यों लुटा दिया, 2024 तक घर घर पानी पहुंचाने, जल संसाधन परियोजना क्यों चालू नहीं की, और कहा कि इतनी महत्वपूर्ण योजना संभल योजना क्यों बंद की गई, और महिलाओं का सम्मान पुरुषों से कम नहीं है, 40 साल से समाज को आपने क्या दिया, हमारी पार्टी की योजनाओं में महिलाओं को सम्मान मिला है, कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, चौधरी चंद्रभान सिंह, पंडित रमेश दुबे, चांद परिषद नगर परिषद अध्यक्ष एवं सभी भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये विधानसभा का कार्यकर्ताओं का विजय संकल्प का दिन था। चौरई में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये संख्या और उत्साह देखकर आप लोगों को भी लग गया होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस के पास में छल प्रपंच, और अब तो वो मतदाताओं का भी अपमान करने लगे हैं, और लोकतांत्रिक समाज में मतदाताओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। वो पाप के पक्ष में करें या विपक्ष में निर्णय करें, उनका सदैव सम्मान होता है, और यही लोकतंत्र की गरिमा है, और वही उसकी प्रसन्नता और गौरव का विषय है। कांग्रेस के लोगों के लिए, इस बात के लिए मैं निंदा करता हूँ। हम हमेशा से मानते हैं कि वो लोकतंत्र के खिलाफ रहे, आपातकाल के को लगाने वाली कांग्रेस है। बीच में वो कुछ फेस सेविंग करती रहती है, कभी कभी हिंदू बन जाते हैं, पर उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। विजय सिंह ने बोला भाई साहब कि पानी आ रहा है, बजरंग दल में बेल नहीं लगाएंगे। ये समय समय पर अपनी भाषा बदलते रहते, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमलनाथ हिंदू गाइडलाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, चेहरे का जो ओरिजिनल वो होता है, और बाद में चेहरे पर कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर ली जाती है। ये कमलनाथ जैसे लोग डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, चेहरा इनका असली देश देख तो का है। ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये अन्यायी लोग हैं, झूठे लोग हैं।